हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शुभ्रा वेलकमिंग यू ऑल टू आर वेरी ओन चैनल। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो जेंडर इनइक्वालिटी एंड इट्स काउजेज होगा, जहां पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से जेंडर इनइक्वालिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं और क्या कारण है जेंडर इनइक्वालिटी का, जो इतनी बृहद मात्रा में हमारे देश में अभी तक व्याप्त है। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी है क्या। इसको एज अ डेफिनेशन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी इज़ द नोशन एंड सर्कमस्टांसेस वेयर वुमेन एंड मैन आर नॉट कंसिडर्ड इक्वली। कहा जाता है कि ये एक ऐसी धारणा है, एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पुरुष और महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है, और सही मायने में यही जेंडर इनइक्वालिटी कहलाती है, जहाँ पर पुरुषों को महिलाओं के कंपैरिजन में ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, ज़्यादा पावर दी जाती है, जहाँ पर उन्हें डिसीजन मेकिंग की राइट्स होती हैं, महिलाओं के भी डिसीजन को भी लेना उनके ही पक्ष में रहता है। तो ये सब कुछ धारणाएं हैं जिसको हम जेंडर इनइक्वालिटी में रख सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया रेफर्स टू हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ बिटवीन मैन एंड वुमन। अगर हम बात करें, अगर हम देखते हैं तो पुराने समय से ही, एंशियंट टाइम से ही हम पाएंगे कि हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव, ये जेंडर का जो भेदभाव है वो हमारे देश में काफ़ी पुराने समय से ही व्याप्त है, जहाँ पर किसी एक पक्ष में नहीं जेंडर इनइक्वालिटी मिलेगी, वो बहुत बृहद है। वो आपको हर एक फील्ड में पाई जाएगी, चाहे वो हेल्थ के फील्ड में हो, एजुकेशन के फील्ड में हो, इकोनॉमिक पॉलिटिकल फील्ड में हो, सभी जगह पर क्या पाया जाता है, जेंडर इनइक्वालिटी पाई जाती है, जहाँ पर सारे राइट्स किसको दिए जाते हैं, पुरुषों को दिए जाते हैं, और सारे डिसीजन लेने के भी हक पुरुषों को दिए जाते हैं। क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है, एक इंडियन सोसाइटी जो है वो क्या है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी कि एक पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पर ऐसी कुछ धारणाएं बनाई गई हैं जहाँ पर उन्हें पावर दिया जाता है सारे डिसीजंस लेने का, कंपेयर टू वुमन। ठीक है, कुछ काउजेज़ हैं जो कि ये दिखाते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी क्यों हमारे समाज में इतनी बृहद मात्रा में पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ऐसे काउजेज़ हैं जो जेंडर इनइक्वालिटी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है वो धारणा। तो इलिटरेसी यानी अशिक्षा, अगर आप अशिक्षित होंगे तो सीधी सी बात है इन धारणाओं को आप प्रमोट करेंगे। क्या कारण है, इलिटरेसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। कहा जा रहा है कि जो अशिक्षा है वो जेंडर इनइक्वालिटी का एक सबसे बड़ा कारण है। अगर हम 2001 का सेंसस देखते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि इंडिया में जो लिटरेसी लेवल थी 2001 में वो करीब 65.38% थी, जहाँ पर अगर मेल लिटरेसी लेवल की बात की जाए तो उनका लेवल जो था वो 75.85% था। वहीं पे फीमेल लिटरेसी रेट जो थी वो 54.16% थी। एक बार फिर से समझते हैं इसको, 2001 में अगर हम शिक्षा के दर को देखते हैं, भारत का शिक्षा दर उस समय कितना था, 65.38%, ठीक है, 65.38%। वहीं पे अगर इसमें से देखें तो मेल का जो लिटरेसी लेवल थी, शिक्षा स्तर जो थी वो 75.85% था, और वहीं पे फीमेल का जो लिटरेसी रेट रहा था वो 54.16% था। तो क्लियरली विजिबल है कि लोग जो है वो मेल के लिटरेसी लेवल को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उनकी शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कंपेयर टू फीमेल लिटरेसी लेवल। कहा जाता है कि जहाँ तक हमको पता है या जहाँ तक हम सुने हैं और कई सारे किताबों में भी पढ़े हैं कि पहले के समय में ये माना जाता था कि अगर महिलाएं ज़्यादा शिक्षित हो जाएंगी तो उनके लिए वर्क ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, और वो काफ़ी रूलिंग पर्सनैलिटी भी बन सकती है जो उनके परिवार के लिए या उनके परिवार के भविष्य के लिए ख़राब हो सकता है। तो ये कुछ कारण रहे थे जहाँ पर महिलाओं की शिक्षा को रोका जाता था या फिर उनकी शिक्षा को प्रमोट नहीं किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं क्या रीज़न है और फीमेल लिटरेसी रेट को ना बढ़ाने का और फिर जेंडर इनइक्वालिटी का। तो सेकंड जो रीज़न कहा जाता है वो है हमारा चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज एक बहुत बड़ा कारण साबित हो सकता है फीमेल लिटरेसी रेट को ना बढ़ाने का या फिर कहे तो जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करने का। यहाँ पर कहा जाता है कि चिल्ड्रेन, स्पेशली द गर्ल्स, आर
मैरिड एट अ वेरी यंग एज. ऑब्वियसली पुराने समय में कुछ धारणाएं थी जहाँ पे बाल विवाह को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता था, लेकिन अब फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं है. या फिर कहीं सुदूर बस्ती में या सुदूर गांव में देखा जाए तो कुछ केसेस ऐसे अभी भी मिल सकते हैं जहाँ पर चिल्ड्रेन, स्पेशली जो गर्ल्स चाइल्ड है, उनके कम उम्र में शादी करवा दी जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ये इनके ओवरऑल डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है और इनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है इनके हेल्थ पे. ऑब्वियसली अगर आपकी उम्र कम है और आप उस उम्र में जहाँ पर आपको पढ़ना है, खेलना कूदना है, उस उम्र में अगर आपकी शादी हो जाती है, तो ऑब्वियसली आपका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित होगा. साथ ही साथ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा आपके हेल्थ पे. ठीक है, जहाँ पर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन का, प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है, वो आपको मिला नहीं, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, तो आपको शादी कर दी जा रही है, आपको प्रेगनेंसी देखा दिया जा रहा है, आप प्रेग्नेंट हो रही हैं, आपको चाइल्ड बेयर करना पड़ रहा है, और काफ़ी कम उम्र में ही आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो डेवलपमेंट है, वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ. साथ ही साथ आपके हेल्थ पे भी इसका काफ़ी बुरा असर पड़ा. तो एक ये भी कारण है जहाँ पर हम देखते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है. तो एक रीज़न रहा था इलिटरेसी, दूसरा रीज़न रहा है चाइल्ड मैरिज. चलिए आगे देखते हैं कि आगे कौन सा रीज़न रहता है यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी की वजह का. तो थर्ड जो रीज़न है वो है हमारा सोशल एविल. सोशल एविल क्या कह रहा है, जैसे कि डॉरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा, सती सिस्टम, ये सब कुछ कारण हैं जिससे वुमन का जो स्टेटस है वो हमारे सोसाइटी में काफ़ी गिरा हुआ है. तो अगर सती सिस्टम की बात करें तो फिलहाल अभी ये अच्छी बात है कि ये कुरीति हमारे समाज से पूरी तरीके से खत्म हो गई है. सती सिस्टम एग्जैक्टली ये है कि जब भी कोई लड़की कम उम्र में या फिर वीडो हो जाती हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन बचता है था, अपने लाइफ को ख़त्म करना, और वो भी सती होकर, यानी करके जल करके. ठीक है, तो इस सिस्टम को कहा जाता था सती सिस्टम, जो कि हमारे समाज की एक बहुत ही बुरी कुरीति थी, जो कि अब तो व्याप्त नहीं है, ये खत्म हो चुकी है. दूसरा जो था वो है डॉरी सिस्टम, जो हमारे समाज में शायद ही कभी खत्म हो मेरे अकॉर्डिंग. ये एक ऐसी प्रथा है जहाँ पर ड्यूरिंग शादी एक अमाउंट होता है जो गर्ल्स के साइड से वो मेल मेंबर को दिया जाता है, कह सकते वर के पक्ष को दिया जाता है. तो ये कुछ कुरीतियां हैं जो हमारे समाज में व्याप्त है, जिसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटी होती है. फैमिली चाहते हैं कि हमारे पास कास्ट गर्ल ना हो. ठीक है, तो इसकी वजह से ना हमें डॉरी देना पड़ेगा, ना उन्हें पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी तो वो छोड़ करके दूसरे घर चली जाएंगे. तो ये कुछ कुरीतियाँ हमारे समाज की हैं जो जेंडर इनइक्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं, जो कि हम लोगों को अब समय आ गया है इन सारी कुरीतियों को ख़त्म करने का. तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे कौन सा रीज़न है. तो आगे हमारा है, एक सेकेंड, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड. कहा जाता है कि जो गर्ल चाइल्ड है उनके खिलाफ जो हो रही भेदभाव है, ये भी एक बड़ा कारण है जेंडर इनइक्वालिटी का, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे हम हमारे समाज को नहीं बदल सकते हैं. यहाँ पर क्या कहने का कोशिश किया जा रहा है वो हम देखते हैं. द गर्ल चाइल्ड आर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली इन द फैमिली. कहा जाता है कि जो गर्ल चाइल्ड है उनको हमारे फैमिली में ट्रीटेड नहीं, मतलब अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में ट्रीट नहीं किया जाता है. पीपल स्टिल प्रेफर बर्थ ऑफ अ बॉय रेदर देन अ गर्ल. बोला जा रहा है कि यहाँ पर आज भी लोग जो है बर्थ ऑफ बॉय, मतलब लड़के के जन्म को प्रेफर करते हैं कॉम्पेयर टू गर्ल चाइल्ड. ठीक है, मतलब कई जगह पे तो शोक भी मनाना शुरू कर देते हैं अगर गर्ल चाइल्ड होती हैं, क्योंकि उनका प्रेफरेंस रहता है कि उनके घर में एक लड़का हो जो कि उनकी फैमिली को और कह सकते हैं उनके वंश को आगे बढ़ाता है. तो इस वजह से भी गर्ल्स चाइल्ड को प्रेफर नहीं किया जाता है. दूसरा कारण है द गर्ल चाइल्ड इज़ बेसिकली ट्रेन फॉर हाउस होल्ड वर्क ओनली. अगर गलती से वो बच्ची बच भी जाती है तो उसको किस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है, तो हाउस होल्ड वर्क के लिए, मतलब घरेलू कार्य के लिए. आपको क्या करना है, वाटर, पानी भरना है. ठीक है, घर का जो रेगुलर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ है आपको उसमें इन्वॉल्वमेंट देना है, आपको किचन वर्क में इन्वॉल्वमेंट देना है, कंपेयर टू जो भी पढ़ाई लिखाई आपकी बंद करवा करके, या फिर आपको ना के बराबर ही एजुकेशन दे करके, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही स्लाइड में देखा कि इलिटरेसी लेवल कितना ज़्यादा कम है, मतलब महिलाओं को कितना कम
ऑप्शन मिलता है पढ़ने का, ठीक है। इवन टुडे फीमेल इन्फेंटिसाइड इज़ कॉमन सोशल एविल, कहा जाता है कि आज भी जो शिशु मृत्यु दर है वहाँ पर मृत्यु दर अगर देखा जाए तो जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है वो ज़्यादा पाया जाता है कॉम्पेयर टू बॉय। ओके, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल, ये हमारे आसपास अपने घर में ही देखने को आपको मिल सकता है, जहाँ पर जो फीमेल गर्ल चाइल्ड है उनको ट्रीट नहीं किया जाता है प्रॉपरली, साथ ही साथ उनका अगर जन्म होता है तो उनको घर के घरेलू काम हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए ही ट्रेन किया जाता है। और फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है वो हमारे समाज में अभी भी एक बोलते हैं ना पैठ जमा लेने वाला सोशल एविल है, जिसको ख़त्म करने का अति आवश्यकता है फिलहाल। तो उसके बाद है सोशल एटीट्यूड। सोशल एटीट्यूड, अगर हमारा समाज, हमारे आसपास का समाज जो हमारे लिए फीमेल के लिए सही धारणा ही नहीं रखेगा, तो कैसे हम उम्मीद करें कि आने वाला जो जनरेशन है वो सही धारणाओं के बारे में जानेगा। तो हमारे आसपास का जो सोसाइटी है उसको अपने एटीट्यूड में बदलाव लाने का ज़रूरत है। जहाँ पर वो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो ऑब्वियसली कमिंग जनरेशन भी उस एटीट्यूड को ग्रेस्प करेगी और वो आगे भी इस तरीके से प्रोसीड होगा। तो बदलाव हमें हमें खुद से ही करना होगा। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, मेल मेंबर्स ऑफ फैमिली आर सपोज टू टेक फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस फूड इन कंपैरिजन टू वुमन। हमारा समाज ही बताता है कि जो घर में अर्निंग मेंबर हैं, ऑब्वियसली मेल जो अर्निंग मेंबर हैं, उनको क्या किया जाएगा, फ्रेश फूड न्यूट्रिशियस फूड दिया जाएगा। क्यों क्यों भाई, तो क्योंकि वो क्या है, अर्निंग मेंबर हैं फैमिली के, तो इस वजह से उनको फ्रेश और न्यूट्रिशियस फूड का हक है। एंड दे सपोज टू बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन फीमेल मेम्बर्स, वो अर्निंग मेम्बर हैं इस वजह से वो फीमेल से क्या है, ज़्यादा सुपीरियर हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो पैसे कमा कर ला कर दे रहे हैं। इस वजह से क्या है, हमारा रूल है, हमारे सोसाइटी की धारणाएँ हैं कि फ्रेश न्यूट्रिशियस फूड किसको दिया जाएगा, मेल को कंपेयर टू वुमन। वो और साथ ही साथ कहा जाता है कि वो अर्निंग मेम्बर हैं इसलिए वो सुपीरियर हैं फैमिली में, वो फैमिली के हेड हैं। ओके, चलिए सोशल एटीट्यूड हम लोग देख लिए हैं। ये कुछ धारणाएं हैं, कुछ कारण हैं जो कि हमारे समाज में जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रही है, जिसमें हम लोग देख लिए इलिटरेसी हो गई, सोशल एविल हो गई, जहाँ पे डॉरी सिस्टम, सती सिस्टम को हम लोगों ने देखा है, डिस्क्रिमिनेशन जो होती हैं हमारे घर में आसपास में, सामाजिक जो धारणाएँ हैं, सोशल एटीट्यूड हैं, ये सब कुछ रीजन्स हैं जो कि जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रही है। एक चीज़ और कि बदलाव जो है जेंडर इनइक्वालिटी, अगर आपको सही करना है, जेंडर इक्विटी में बदलना है, इक्वालिटी में बदलना है, तो शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप कि आप लोगों को आज का कंटेंट अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।